अलैकुम, वेलकम बैक टू मै अनदर वीडियो। तो आज हम जा रहे हैं लाहौर फोर्ट शाही किला, जहाँ हम जाके आपको उसकी हिस्ट्री का भी बताएंगे। तो आपने वीडियो लास्ट तक लाजमी देखनी है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देने हैं जी, कर देना है। तो चलिए चलते हैं जी, हम शाही किले की तरफ जा रहे हैं। मेरे साथ हम भाई मौजूद हैं जो कि मेरी तो कुछ शॉर्ट्स लेंगे, तो चलें आगे चलते जी। आज बहुत रश है, स्कूल्स के ट्रिप वगैरह भी आए हुए हैं, तो हालांकि आज मंडे है फिर भी बहुत ज़्यादा रश है इधर, ये आप देख सकते हैं। तो चलते हैं फिर हम ये जिसका मेन एंट्रेंस दरवाज़ा, ये सबका दरवाज़ा खड़ा है शाही किले का। इस तरह गेट का नाम पोस्टन गेट है, इसे पोस्टन गेट और उर्दू में पोस्टन दरवाज़ा कहते हैं, जो कि तब के बना में पुरानी ईंटें यूज हुई हैं इसमें, आप साफ देख सकते हैं बारीक और पुरानी ईंटें। बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर है, पर एक ईंटें यूज हुई हुई है, इसको मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। देखें बहुत परीक परीक ईंटें यूज हुई हुई है, इतनी देख पुरानी ईंटें यूज हुई हुई है इसमें, और वैसे ही खड़ा वैसे बस रेनोवेट किया गया दोबारा, जो कि अकबर ने किया था जब वो लाहौर रहने आते थे दिल्ली से, तो वो यहाँ स्टे करते थे अपनी पूरी फैमिली के साथ, तो अकबर ने इसे दोबारा रेनोवेट करवाया था। सीढ़ी का स्टेप कितना बड़े हैं, और इस तरह की कई सीढ़ियाँ इस बिल्डिंग में मौजूद हैं, बहुत ही बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ बनाई गई हैं इधर, और वो भी पुरानी ईंटों से, बड़ी ईंटों से बनाई गई हैं। सीढ़ियों के जरिए वो हाथी चढ़ा के अपना ऊपर महल जाते थे और अपना सामान रखते थे। देखें इसलिए बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, यहाँ पे हाथी के जरिए ऊपर जाते थे वो। पुराना दरवाज़ा भी देख सकते हैं, और बहुत ही पुराना दरवाज़ा है, और उसका ताला भी बहुत ही पुराना किस्म का लगा हुआ है, बहुत ही प्यारा दरवाज़ा है। दीवारें इतनी ऊंची की हैं, तो इसलिए दीवारें ऊंची की गई थी ताकि कोई चोर या कोई डाकू आए तो उनसे इतनी बड़ी दीवारें भांगी ना जाएं, इसलिए इतनी ऊंची ऊंची दीवारें रखी गई हैं। ये आप देख सकते हैं कितनी ऊंची दीवार है, ये देखें यहाँ से साफ सामने बादशाह मस्जिद नज़र आ रही है, और इसके बादशाह मस्जिद का मीनार भी नज़र आ रहे हैं आपको। अभी वह हाथी पैर एलिफेंट स्टेट जो मैंने आपको पीछे दिखाई है, जो इतनी बड़ी बड़ी बनाई गई थी, इसलिए बनाई गई थी ताकि यहाँ से हाथी गुजरते थे, उनका सामान लोड होता था हाथियों पर। ये देखें इसका पुराना तर्ज अमल का उन्होंने बनाए हुए हैं, देखें कितना खूबसूरत आर्किटेक्चर है। मुगल अम्पायर ने बनवाया, मुगल अम्पायर में बादशाह अकबर ने इसको रेनोवेट करवाया था, बहुत ही प्यारा है। अभी इस वक्त टॉप पर हूँ शाही किले के, देख सकते हैं यहाँ से कितना प्यारा व्यू आ रहा है बादशाही मस्जिद का, चेक कर सकते हैं कितना ही प्यारा व्यू आ रहा है। ये है जी सामने बादशाही मस्जिद, और उसके साथ वो वाइट कलर में गुरुद्वारा, और ये सारा एक बहुत ही खूबसूरत मंजर है, और वो सामने जी मीनार पाकिस्तान है, और मैं इस वक्त शाही किले के टॉप पे मौजूद हूँ, बहुत ही प्यारा खूबसूरत मंजर आ रहा है इधर से। कभी लाहौर आए तो बादशाह मस्जिद और शाही किले को पे आना मत भूलिएगा, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ सबका दिल खुश हो जाता है। ये देख सकते हैं एक पुल बना हुआ है यहाँ पे, पुल के उस तरफ जा रहे हैं हम, देख सकते हैं आप जी यहाँ का बारूद खाना, जो कि अंग्रेजों ने बनवाया था 1897 में, आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा है और बहुत ही ऊंचा भी है। इसके गिर्द बहुत जंगल टाइप दरख्त होते थे ताकि कोई भी बाढ़ से हमला करे तो उससे छुपाया जाए, वो इधर हमला ना करे। ये देख सकते हैं आप इसके इर्द गिर्द भी बहुत बड़ी बड़ी दीवारें हैं, देख सकते हैं आप सारा ही। हम
इसके करीब आ गए हैं। इसका दरवाज़ा है भी इसी तरह ब्रिक टाइल से बना हुआ है, ब्रिक ईंटों से। ये देखें इसकी खिड़की, ये जी आप ये देख सकते हैं तहखाना है। इसको मैं करीब से दिखाता हूँ आपको, ये देखें वीरान तहखाना जहाँ सुरंग टाइप है, देख सकते हैं आप। ये जी इधर का एक और दरवाज़ा जिसे कहते हैं मकतीब खाना, ये इसकी सारी हिस्ट्री लिखी हुई है, कोर्ट ऑफ हिज मैजेस्टी एम्परर जहांगीर की, देख सकते हैं हम सारा। तो प्यारा सा मेहराब बनाया गया, इसकी आप डिज़ाइनिंग चेक करें, ऊपर पेंटिंग की गई है, बड़ा ही खूबसूरत किस्म के आर्किटेक्चर से बनाया गया है, देखें बहुत ही प्यारा। ये जी आके ये इधर एक और दरवाज़ा बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत, इधर भी पेंटिंग और आर्किटेक्चर है, देख सकते हैं आप, बहुत ही खूबसूरत बनाया गया। ये जी 250 साल पुराना बरगद का पेड़ है, ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा है, ये वाकई लग रहा है कि 250 साल पुराना है, देख सकते हैं आप। ये देख सकते हैं आप, मैं इसके करीब आ गया हूँ, ये देख सकते हैं आप कितने मोटे मोटे इसके तने हैं, ये देख सकते हैं बहुत ही 200 सदियों पहले का दरख्त है, देख सकते हैं आप कितना पुराना, 250 साल पुराना दरख्त है। ये जी था यहाँ का सिख आर्मी म्यूज़ियम, जहाँ पर सिखों की कुछ तरीकी शख्सियत की तस्वीरें भी लगी हुई थी। यहाँ पर वीडियो बनाना बना था, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए सिर्फ वीडियो बना लिया, चुप चुप करो यहाँ पर बोलने बना था, इसलिए मैंने यहाँ पर वॉइस ओवर कर लिया। तो यहाँ पर बहुत सारी इनकी तरीकी शख्सियत की तस्वीरें मौजूद थी, यहाँ पर इनके असला भी मौजूद था, जब बरसगीर पर अंग्रेज़ों ने हमला किया था तो वो अपना सिख अपना यहाँ पर छोड़ गए थे, जिसमें बंदूकें वगैरह और गोलियाँ वगैरह मौजूद हैं। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही बड़ी बड़ी और पुराने ज़माने की कदीम मसला पड़ा हुआ था यहाँ पर, और यहाँ पर आगे उनका जंगी सामान तलवारें वगैरह पड़ी हुई थी, यहाँ बहुत बड़ी बड़ी तलवारें थी जिसको यहाँ पर इनका आगे कुछ बारूद वगैरह और तलवारें वगैरह पड़ी थी, उनके नेजे वगैरह भी लटके हुए थे यहाँ पर। ये आग सामने आप बड़ी बड़ी बंदूकें देख सकते हैं, या फिर इनका दूरबीन देख सकते हैं, ये इनकी बहुत ही बड़ी बड़ी बंदूकें उस जमाने की पड़ी हुई थी और कटी। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत फूल लगाए गए हैं, ये देख सकते हैं हुकूमत पंजाब की तरफ से बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और ये जो इस तरफ ये फवारे टाइप हैं, ये भी रेनोवेट दोबारा से हो रहा है, रिकन्स्ट्रक्ट हो रहा है, लेकिन काम जारी है, इसलिए अभी चल रहे हैं, हम उस तरफ जा भी नहीं सकते, उन्होंने लिखा है दाखिला ममनू है। तो बाकी हम आगे जाते हैं और आपको भी दिखाते हैं, ख़ुद भी देखते हैं। ये देख सकते हैं बहुत ही खूबसूर्त ऊपर डिज़ाइन किए हुए हैं, ऐसी आर्ट गैलरी में मौजूद है, लेकिन बहुत ही थोड़ी रह गई है, लगता नहीं कहीं से आर्ट गैलरी लग रही है, लेकिन इसकी खूबसूरत ही बहुत ही प्यारी लग रही है, देखें बहुत ही खूबसूरत लग रही है। देखें जिस वक्त हमारे सामने मौजूद है दीवान ख़ास, देख सकते बहुत ही बड़ा है दीवान ख़ास, वो उसके सामने उसके अंदर बादशाह बैठता था और बाहर सारे लोग जो उसके इलाके के ख़ास लोग होते थे वो बैठते थे, देख सकते हैं आप बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है। उसके अगर हम आगे जाते हैं उसको करीब से देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। ये जी इसके बिल्कुल ही सामने एक फाउंटेन है जो इस वक्त चल नहीं रहा, ये देख सकते हैं आप बिल्कुल ही सामने उसकी खूबसूरती के लिए सामने फाउंटेन बनाया हुआ था। जब हम उसके अंदर मौजूद हैं जहाँ बादशाह वगैरह बैठते थे, बादशाह बैठता था, और ये देख सकते हैं ये एक छोटा सा फुवारे के लिए लगा हुआ है, ये देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है, दीवान ख़ास इधर लिखा भी हुआ है, देख सकते हैं आप बहुत ही खूबसूरत बनाया गया जहाँ बादशाह और उसकी बेगमें वगैरह बैठती थी, ये देख सकते हैं आप बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर बनाया गया है, ये देख सकते हैं आप डिज़ाइन इसकी बहुत ही खूबसूरत है, देख सकते हैं आप। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे बादशाह अपना बैठता था और यहाँ से बादशाह अपना तकरीबन आधा शहर देख सकता था, अपने गार्ड्स की चेकिंग वगैरह कर लेता था, गार्ड्स कैसे हैं
सामने दीवार पर गार्ड बैठते थे, उधर उनकी तोपें वगैरह पड़ी होती थी। सारा बहुत ही खूबसूरत मंजर है यहाँ से, आप देख सकते हैं। वो सामने शाही किला, वो उसका मेन, जहाँ अभी हम आपको वहाँ से दिखा के भी लाए हैं, आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत बनाई गई है वेंटिलेशन के लिए, पर्पस के लिए भी एक खिड़की है, देख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे तोपे पड़ी हुई हैं, एक ये तोपड़ी है, एक ये तोपड़ी है, बिल्कुल असल तोपे हैं। ये देखें आप, देख सकते हैं करीब से भी, ये देख सकते हैं आप। वो जो पीछे थी वो थी दीवाने ख़ास, जो कि मैंने आपको दिखाई थी, जहाँ पे ख़ास लोग बादशाह वगैरह बैठते थे। ये दीवाने आम हैं, जहाँ पे आम लोग बैठते थे, यहाँ पे खेमे भी लगते थे। इस ग्राउंड वगैरह में इतने बड़े इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे खेमे लगते थे। तो ये एक संगमरमर की एक मिसाल, पहली मिसाल है संगमरमर इसमें यूज़ हुआ था, इसकी पहली मिसाल है, देख सकते हैं। बहुत ही बड़ा खूबसूरत है, इसको अभी हम आपको अंदर जा कर दिखाते हैं। ये जी, इसके बाद दो तोहफे भी पड़ी हुई हैं दीवाने आम के, दीवाने ख़ास के बाहर तो नहीं पड़े थे लेकिन दीवाने आम के बाहर पड़े। तो चलें अब हम इसके अंदर जाते हैं और आपको दिखाते हैं जी। हम अब इसके अंदर इमारत के अंदर जा रहे हैं। सामने बादशाह सलामत अंदर बैठते थे, वो विंडो जीते थे, इसके आगे दो गार्ड भी खड़े हैं, यहाँ पे बादशाह सलामत बैठते थे। ज़्यादा करीब जाते हैं और आपको दिखाते हैं। ये जी, यहाँ पर इस तख्त पर बादशाह सलामत बैठते थे, अपने लोगों से बातें बातचीत करते थे, लोगों के मसले हल करते थे। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही खूबसूरत बनाया गया, देख सकते हैं आप। जी अकबरी गेट, क्योंकि अकबर ने इस सारे शाही किले का और ये का रेनोवेशन का काम शुरू कराया था, तो उसके नाम पर दरवाज़ा ना हो तो ये तो नामुमकिन बात है। ये देख सकते हैं आप, पुराने ही वैसे ही ईंटें खड़ी हैं, अभी वर्क इन प्रोग्रेस लिखा हुआ है ऊपर, यानी कि इसकी रिकन्स्ट्रक्शन हो रही है दोबारा से। ये देख सकते हैं बहुत ही ऊँचा और लम्बा है। हाँ जी, यहाँ के मोर्चे वगैरह जहाँ पर सफाई वगैरह पहरा देते थे, ताकि बाहर से कोई चोर वगैरह अंदर ना आ सके। अगर कोई बिलफर चोर वगैरह की तरफ ही अटैक होता था तो सिपाही उसी वक्त बाकियों को अलर्ट करते थे, तो महल को बचाया जाता था। ये देख सकते हैं आप, एक मोर्चा मौजूद है यहाँ पे, और यहाँ से देखिए बहुत ही नीचे है, बहुत ही नीचे है ये दीवार। ये देख सकते हैं, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये किले की दीवार है और पीछे वो सारा बाजार है। ये एक मोर्चा है इसका, ये देख सकते हैं आप, बहुत ही ऊँचा है। यहाँ से ऊपर से तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन जब नीचे देखें तो बहुत ही ऊपर है। ये सारे मोर्चे वगैरह बनाए हुए हैं चारों तरफ, देख सकते हैं आप, और वही बारीक ईंटों से बनाए गए हैं। कुछ इसमें मोटी ईंटें हैं, अब जाके रेनोवेट किया है, देख सकते हैं ये मोटी ईंटें यूज़ हुई है। इस तरह ये भी मोटी ईंटें यूज़ हुई हैं, देख सकते हैं आप सारा। ये एक मोर्चा है, ये जिस वक्त मौजूद हुआ है अकबरी हमाम की तरफ, ये वॉशरूम है सामने, और ये सारा मुकम्मल नया बनाया गया है। पुराना कुछ इस तरह का देखें, इधर दिया भी हुआ है, पुराना कुछ इस तरह का था, तो फिर उन्होंने रेनोवेट करके अब इस तरह का, और ये लाइव आपको मैं दिखा सकता हूँ। ये सारे पीछे वॉशरूम है और ये सारा अकबरी हमाम है। यहाँ पर बहुत सी सुरंगें भी मौजूद हैं जो कि दिल्ली और आगरा की तरफ निकलती थी, क्योंकि अब तो वो सल्तनत वगैरह की वजह से वो भर गई हैं और उधर जाना मना है। ये भी एक किस्म की सुरंग ही है जो कि दिल्ली और आगरा वगैरह की तरफ निकलती थी। ये है जी एक सुरंग, और देख सकते हैं आप बहुत ही बड़ी है, अंदर बेसमेंट की तरफ जा रहे हैं सीढ़ियों के टाइप, ये देख सकते हैं आप। एक दरवाज़ा है और नीचे सीढ़ियाँ जा रही हैं, बहुत ही नीचे, बहुत ही गहरा, जो मैंने आपको बताया था ना सुरंग, वो सुरंग है ये जी। पहले जब हम आए थे तब फवारे नहीं चल रहे थे, थोड़े थोड़े फवारे चला दिए हैं, देख सकते हैं शाम को पूरे फवारे चलते हैं। अभी तो हम दोपहर टाइम आए हैं तो इसलिए नहीं चल रहे। Thank you.
आज की हमारी छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।